वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन 5 पार्ट 4। डू दैट 1 प्लस sec a डिवाइड बाय sec a इज इक्वल टू sin square डिवाइड बाय 1 माइनस cos a। जैसे कि मैंने बताया आपको, इन मैक्सिमम क्वेश्चन में हम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड इंप्रूव करते हैं, ठीक है। जिस साइड में ज्यादा टर्म हो वो साइड लेते हैं, या ये कह सकते हैं आप, ठीक है, और उसको साइन और कोस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे देखिए, आपकी मर्जी, आप कोई से भी साइड ले सकते हैं। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली 1 प्लस sec a डिवाइड बाय sec a, ठीक है। तो मैं इसको, मैंने आपको जैसे बताया था पहले भी, मैं साइन और कोस में चेंज करूंगा, क्योंकि किस में है, sec में चेंज है। आंसर भी हमारा साइन कोस में आया हुआ है, तो मैं इसमें चेंज करता हूं साइन और कोस में। आपकी मर्जी है, ना भी चेंज करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। साइन और कोस में चेंज करते हैं मैक्सिमम टाइम्स हम लेफ्ट हैंड साइड को। तो कोस में चेंज कर देता हूं, 1 प्लस sec a 1 बाय cos a, 1 बाय cos a, एलसीएम लिया ऊपर cos a, cos a प्लस 1 हो गया, और नीचे 1 बाय cos a, तो cos a से cos के कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 1 प्लस cos a। बट हमें सपोज आइडिया नहीं आ रहा कि हम राइट पे कैसे पहुंचे, राइट तो नहीं आया हमारा आंसर, तो आप राइट हैंड साइड को अलग से सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं, फिर लेफ्ट और राइट को हम अलग दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसी को कंटिन्यू करना है, ध्यान दें 1 प्लस cos a इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं 1 माइनस cos a से, हमारे पास यहां पे दो तरीके हैं, या तो मैं राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व कर लूं, वो साइड भी इसके इक्वल दिखा दूं, दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी, या मैं इसी को कंटिन्यू रखूं राइट हैंड साइड पे पहुंच जाऊं, ठीक है। मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड को, और किस पे आ रहा हूं, राइट हैंड साइड पे आ रहा हूं, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 1 माइनस cos a से। क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में मेरा 1 माइनस cos a है, इसलिए किया। तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर हो गया, समझ आया। यहां पे कौन सा लगाया हमने आइडेंटिटी, ए माइनस बी, और ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस cos a, दिस इज राइट हैंड साइड। अब ध्यान दें, अगर आप राइट हैंड साइड पर पहुंच गए हम, दिस इंप्लाइज लेफ्ट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आप यहीं पे छोड़ देते राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करते, तो राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करते तो साइन स्क्वायर को क्या लिखते, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर a, फिर इसके a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को लिखते a माइनस b a प्लस b, 1 माइनस cos मल्टीप्लाई 1 प्लस cos, एक हमारा कट जाता, ठीक है, तो क्या बच जाता ऊपर 1 प्लस cos बच जाता, वो दोनों साइड इक्वल आ जाती। आपकी मर्जी, लेफ्ट से कंटिन्यूटी में चलना है तो राइट पे आ गए, और यहीं पे आप अगर छोड़ते राइट हैंड साइड को सॉल्व करते तो ये स्टेप हमारे उल्टे हो जाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का 5th पार्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, और इसी क्वेश्चन जैसा हमारा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 15, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, हम लेफ्ट से राइट पे पहुंचते हैं, या ये कहीं जिस साइड में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स हो, ज्यादा टर्म हो, ज्यादा टर्म इधर है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड लें, पहुंचे इस क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से देखना, माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। जैसे कि मैंने आपको बताया है, मैक्सिमम टाइम्स हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और उसको साइन और कोस में कन्वर्ट करते हैं, ये ऑलरेडी मेरी साइन और कोस में कन्वर्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्या करना है हमें, हमें नहीं पता हम कहां पे जाएं, तो ये आपको रिवीजन बताएगी। और अब भी लेफ्ट हैंड साइड को देखें, कोसेक और कोट आया हुआ है, तो डिवाइड कर
अब भी लेफ्ट हैंड साइड है हमारी cos a माइनस sin a प्लस वन, cos a प्लस sin a माइनस वन। अब राइट हैंड साइड को देखेंगे आप, cosec प्लस cot है, तो यानी कि हमें cosec प्लस cot चाहिए, तो डिवाइड करें, डिवाइडिंग न्यूमरेटर, इसका मतलब है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, देखें वन बाय साइन से डिवाइड करेंगे या कोस से, वन बाय साइन कोसेक होता है और कोस बाय साइन कोट, तो कोट आ गया ना, तो साइन से डिवाइड करेंगे आप। अगर यहां पे सेक राइट हैंड साइड में सेक और टेन होता तो हम कोस से डिवाइड करते, जैसे कि एग्जांपल 15 में है, ठीक है, तो किससे डिवाइड करेंगे, साइन से, क्योंकि कोस बाय साइन क्या बनेगा, कोट बनेगा ना, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन डिवाइड बाई, किससे डिवाइड कर दिया मैंने, ये हो गया हमारा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिवाइड हो गया साइन से, और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है, कोस ए प्लस साइन ए माइनस वन डिवाइड बाई साइन ए, ठीक है। अब ध्यान दें ये तीनों टर्म डिवाइड, कोस बाई साइन ए अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस वन बाई साइन ए, समझ में आया, देखो आ रहा है ना कोट, कोस बाई साइन ए साइन ए बाई साइन ए और माइनस वन बाई साइन ए। अब ध्यान दें अगर राइट हैंड साइड हमारी सेक में होती, सेक और टेन में होती, तो साइन बाय कोस यानी कि कोस से डिवाइड करते, जैसे कि एग्जांपल 15 में है, तो कोस बाय साइन क्या आ गया, कॉट, साइन ए बाय साइन ए माइनस वन, वन बाय साइन ए कोसेक ए, कोट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए। अब ध्यान दें कोट प्लस कोसेक इस वन को हमने लिख लिया बाद में, नीचे है हमारा कोट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए, अब मैं इस वन को चेंज कर रहा हूं, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में कहीं पे भी चेंज कर दें आपकी मर्जी है, मैं इस वन को चेंज कर रहा हूं, वन की आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन होता है, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर भी वन होता है, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर भी वन होता है, ठीक है। तो मैं आइडेंटिटी हम कौन सी यूज करेंगे, आइडेंटिटी हम लगा रहा हूं मैं कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, इस आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं हम, ये तो हमारा कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, यहां पे मैंने वन की जगह लिखा है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, समझ में आया भाई, क्यों किया, क्योंकि इसके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो इसके दो फैक्टर बन जाएंगे, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये बन जाएगा, नीचे है कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, आइडेंटिटी लगाया यहां पे, कॉट ए प्लस दिस इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कोसेक ए, आइडेंटिटी इस पे लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए ए माइनस बी और ए प्लस B, और नीचे cot A प्लस वन माइनस cosec A, समझ में आया भाई, ठीक है। आगे देखें यहां से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, cosec प्लस cot कॉमन आ रहा है, इस टाइप में देखें बच्चों को यहां पे प्रॉब्लम होती है भाई, यहां पे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इस टाइप में हमारा कॉमन आ गया कोसेक प्लस कोट ए कॉमन आ गया, ठीक है, यहां पे बचा वन कॉमन आने के बाद माइनस,
अब ये तो मैंने कॉमन ले लिया, लेकिन ये बचा ना माइनस के बाद, जैसे मान लो मैं a में से माइनस करता हूं a माइनस बी को, तो साइन चेंज हो जाएंगे, a माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। ये माइनस का बचा, क्या बचा? कोसेक माइनस कॉट ए। और नीचे क्या है? कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए, ठीक है। अब कोसेक प्लस कॉट ए, अब ध्यान दे, देखो वन में से ये हमारा जो है बाइनोमियल है, दो टर्म है, और जब इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। यहां पे पॉइंट नोट करने वाली बात है, वन माइनस कोसेक ए, यहां पे बच्चों को मिस्टेक होती है, माइनस ये क्या बन गया, प्लस कॉट ए। अब इसको मैं नीचे वाले को भी कैसे, वन पहले लिख दो, वन माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखो ये इससे कैंसिल हो गया, हो गया ना, क्या आया, कोसेक ए प्लस कॉट ए, वही चीज हमें, दिस इज राइट हैंड साइड। हेंस नॉर्मल आइडेंटिटी हमने यूज की है, कोई ज्यादा नहीं है, बार बार रिवीजन करेंगे तो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह आ जाएगा।